दोस्तों न्यूजीलैंड से भारतीय टीम के हारने के बाद रोहित शर्मा का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कहा है जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम लगातार दो मैच न्यूजीलैंड से हार चुकी है, जहां पहला मैच भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम से 7 विकेट से हार गई थी। वहीं दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम लगभग 120 रनों से हार कर सीरीज हार चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम 36 सालों के बाद भारतीय सरजमी पर आकर कोई सीरीज जीती है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की ट्रोलिंग होनी चालू हो गई है। कुछ फैंस का मानना है कि हम रोहित शर्मा के साथ हैं, तो कुछ का कहना है कि नहीं, रोहित शर्मा ने जो कहा है शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दरअसल दोस्तों, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने रोहित शर्मा से सवाल किया कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड से अपने घर में 2 टेस्ट मैच लगातार हार गई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो रोहित शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि हर मैच हम नहीं जीत सकते, हम कभी हारेंगे भी, और 12 साल से हमने अभी अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। यह 12 सालों के बाद पहली बार है कि न्यूजीलैंड ने हमें अपने घरों में हराया है और हम 2 मैच अच्छा नहीं खेल सके। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी टीम खराब है, हम वापसी करेंगे। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा के इस बयान से कितने सहमत हैं? लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर का भी एक बयान वायरल हो रहा है जो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। गौतम गंभीर से जब मीडिया वालों ने सवाल किया, भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी टीम को आसानी से हरा देता है लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भारत में आकर भारतीय टीम को हरा गई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो गौतम गंभीर ने इसके जवाब देते हुए कहा कि हमारी टीम बहुत अच्छी है लेकिन हमसे कुछ गलतियां हुई है और हम पिच रीड करने में पूरी तरह से चकमा खा गए जिसके कारण हमारी टीम को यह नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हम 3rd टेस्ट मैच में वापसी करेंगे और न्यूजीलैंड को हराकर बताएंगे। तो वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम 3rd टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम को हरा पाएगा? और भारतीय टीम के लिए यह जीत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यह सीरीज हार जाए और एक भी जीत नहीं सके तो WTC के लिए भारतीय टीम का आगे का सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगर आप भारतीय टीम के साथ हैं, भारतीय टीम के हार में भी और भारतीय टीम के जीत में भी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलें।